हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है एक बार फिर से जितेंद्र के वीडियोस में। और आज हम बताएंगे एमएस वर्ड के अंदर मेलिंग्स रिव्यू और व्यू के बारे में। इसमें जो मेन मेन टॉपिक है, मैं उसी के बारे में बताऊंगा और बाकी को एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो आप बने रहे मेरे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैंने ये टाइप कर रखा है, माय नेम इज जितेंद्र कुमार। तो मैं चला जाता हूँ मेलिंग्स में। मेलिंग्स में जाने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर इनवेलप। इनवेलप आप बना सकते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ठीक है, इनवेलप जो प्रिंट प्रीव्यू होगा कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप लेबल दे सकते हैं। लेबल में आप कुछ इस तरह का लेबल होगा, आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आपका लेबल में वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आपको स्क्रीन में दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं करके दिखाता हूँ। इनवेलप में मान के चलिए कि यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस डालना है, तो मुझे भेजना है जैसे ABCD ऑफिस पटना। ठीक है, और रिटर्निंग एड्रेस में आएगा यहाँ पे। तो मैं जब इसे ऐड करूंगा तो मेरा कुछ इस टाइप का प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, इसके बाद लेबल्स। लेबल्स में अगर हम ये करेंगे तो लेबल्स का प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, तो लेबल्स कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम वर्ड में भी ऐसा कर सकते हैं, बट यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है कि ऐसा कर सकते हैं, तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपने इनवेलप्स और लेबल्स ये दो चीज आप सीखें। इसके बाद रिव्यू में अगर जाएंगे तो रिव्यू में आप जो है सो न्यू कमेंट्स, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे हम पेज में कुछ लिखे हैं। ठीक है, तो इसे मैं हटा लेता हूँ। मैं इसे हटा लेता हूँ, फिर से इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब हमें कमेंट्स करना है, तो मैं इस पेज इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और रिव्यू में जाऊँगा और न्यू कमेंट्स में, और यहाँ पे हमको कमेंट्स करना है बेस्ट नेम। ठीक है, अब हम प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो मेरा ये कमेंट्स दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं बैक ले लेता हूं। ठीक है, इसके बाद यहां पे आप नेक्स्ट व्यूज में जाएंगे। व्यूज में आप जाएंगे तो यहां पे रीड मोड दिया हुआ है, इसको आप रीड मोड में करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहने का मतलब है अपने पेज को। ठीक है, तो फिर से मैं इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, प्रिंट लेआउट आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर जो भी है, आप जो भी सिखा रहे हैं उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वेब लेआउट हम बाद में देखेंगे। प्रिंट लेआउट आप देख सकते हैं, इसको हम आगे भी बताएंगे इसके बारे में, प्रिंट लेआउट। ठीक है, इसके बाद न्यू विंडो में हम यहाँ से डायरेक्ट एक न्यू विंडो में चल जाएंगे। ठीक है,
मैंने इस सीरीज में बताया फाइल के बारे में, फाइल फोल्डर कैसे बनाते हैं, सेव करते हैं कैसे, किस जगह पे हम किस ड्राइव में सेव करते हैं, होम बटन के बारे में हम बताएं, इंसर्ट बटन के बारे में बताएं, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है टेबल वगैरह हम कैसे बनाते हैं, शेप्स कैसे देते हैं, हेडर फुटर कैसे देते हैं, ठीक है, वर्ड आर्ट के बारे में भी बताएं, सिंबल और इक्वेशन के बारे में भी हम बताएं, इसके बाद थोड़ा बहुत डिजाइन के बारे में भी हम बताएं, पेज लेआउट के बारे में भी हम बताएं, ठीक है। इसके बाद आपका मेलिंग के बारे में इस वीडियो में हम बताएं थोड़ा बहुत, फिर रिव्यू के बारे में बताएं कुछ बटन के बारे में, और व्यूज के बारे में भी कुछ बटन के बारे में हम बताएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने इस सीरीज में जो भी चीज बताया है उसको हम कहाँ पे और कैसे यूज करेंगे, वो चीज हम अब जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो प्रैक्टिकली बताएंगे। जैसे मान के चलिए कि हमने तो फाइल और फोल्डर बनाना आपको सिखा दिया, लेकिन उस फाइल को और उस फोल्डर को हम सर्च कैसे करेंगे कि हम जो वो बनाए हैं वो कहाँ पे है। दूसरी बात कि हम आपको कॉलम्स तो बनाने के लिए सिखा दिए, बता दिए कि कॉलम्स ऐसे बनाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे सेट करते हैं, कैसे हम उसको ये करते हैं वो अपने पेज पे उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको कैसे डिलीट करते हैं, हम उसके बारे में भी बताएंगे। जब हम लेटर टाइप करेंगे तो हमें बहुत सारे उसमें पेज को सेटअप करना पड़ता है, तो उस सभी चीजों में ध्यान देना पड़ता है कि हमको पेज सेटअप कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पेज सेटअप करने के लिए हम अभी जब प्रैक्टिकली बताएंगे आपको, तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं माय नेम इज जितेंद्र कुमार, तो आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इसी टाइप का प्रिंट प्रीव्यू चाहिए, एक सुटेबल होना चाहिए। कोई भी चीज अगर हम बनाएंगे तो हमको वो दिखना चाहिए, ठीक है, अच्छा दिखना चाहिए, या हम लेटर बनाएं या फिर किसी चीज का फॉर्मेट बनाएं तो वो लेटर दिखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और लेटर ही नहीं दिखना चाहिए, खूबसूरत भी दिखना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जो भी चीज बताया वो 50 से 60% हमने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में बताया है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में बताया, और ये भी बताया कि किसका क्या कहाँ पर यूज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आगे हम जो बताने वाले हैं वो जो प्रैक्टिकली रहेगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अब जो हम बताने वाले हैं वो आप बेशक सीख पाए, दोबारा से आपको रिवाइज हो जाए, और किस बटन का यूज कब और किस टाइम कहाँ पे करना चाहिए वो आपको हम बताएंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो या पूरा सीरीज अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।